वेलकम माई डीयर स्टूडेंट्स, अज आप 3.6 एक्सरसाइज का सैकेंड का फस्ट पार्ट कर जा रहे हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। डाउन स्ट्रीम का मतलब यह होंगे, मान लो जिस डायरेक्शन में मतलब पानी जा रहा है, आप उधर ही जा रहे हैं, अपनी बोट भी उधर ही जा रही है उस डायरेक्शन वाल, तो उन्होंने 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर जाने के लिए। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब उल्ट डायरेक्शन जाना, ठीक है, तो उन्होंने 2 घंटे 4 किलोमीटर कवर कर दी है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में मतलब कि उसकी किश्ती चाल कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। एंड स्पीड ऑफ द करंट, तो पानी की जी चाल आ धारा की चाल आप फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा आप दोनों मान लाँगे, लैट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में जिम्मे किश्ती चला रही है वो स्पीड मान लाँगे आप एक्स किलोमीटर पर हॉर, ठीक है। उस तो बाद मान लाँगे बेटा आप लैट स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल वो कि मान लाँगे आप वाई किलोमीटर पर हॉर, ठीक है जी। हूँ देखो, हूँ आप दोनों कैलकुलेट करांगे ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग अप स्ट्रीम। देखो बेटा पहला केस लैने आप इनकेस ऑफ डाउन स्ट्रीम, इनकेस ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर नू पानी चल रहे हैं, ठीक है, आप उधर ही जा रहे हैं। तुसी आप सोचो जे मान लो तुसी साइकिल भी चलाने हो, थोड़ी एग्जाम्पल देनी है, जो हवा चलती है तुसी हवा वाले पासे साइकिल चलाने हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, साइकिल तेजी नाल चलन लग जाता, पर जे हवा अपने उल्ट रिएक्शन च आवे तो अपना जोर बढ़ लगता है, अपनी स्पीड थोड़ी घट जाती है। इहदा मतलब इनकेस ऑफ डाउन स्ट्रीम आ जिहड़ी स्पीड आ उह की होगी बेटा जी, वधूगी, ठीक है। फिर आप लिखांगे स्पीड, इस केस दे विच स्पीड कितनी बन जूगी अपने कोल एक्स प्लस वाई, ठीक है जी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर हॉर। एक्स हमेशा मूहरे रखना बेटा जी, क्योंकि खड़े पानी में जो किश्ती चाल आ किश्ती चल तो रही है ना, आप चलावे तो सही, बैक तो अपनी होगी नहीं, ठीक है। यदा मतलब आप एक्स मूहरे रखा हमेशा, ठीक है, ये हमेशा वध होएगी। उस तो बाद देखो बेटा अपने को फॉर्मूला होंदा होंदा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला होंदा अपने को, फॉर्मूला होंदा बेटा जी अपने को स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होंदा स्पीड इनटू टाइम। इनू पंजाबी की लिखांगे, दूरी बराबर चाल गुना समा, दूरी बराबर चाल गुना समा, ठीक है जी। हूँ देखो डिस्टेंस किन्नी कवर की उन्होंने 20 किलोमीटर, ठीक है जी। स्पीड किन्नी अपने को एक्स प्लस वाई, तो टाइम कि लग्या 2 घंटे, ठीक है जी। अपने को आ गया 20 आ 2 बटिया चले जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये कैंसल आउट हो गया बेटा, अपनी इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी आ बन गई, ठीक है जी। हूँ आप कटते हैं इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम हूँ आप उल्ट जा रहे हैं, ठीक है, जो उल्ट जावे फिर अपनी स्पीड आ घट जाएगी, ठीक है। इन इस केस दे विच स्पीड कितनी बन जूगी अपने को टोटल, वो बन जूगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर हॉर, ठीक है जी। अपने को फॉर्मूला होंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समा। हूँ दूरी कितनी कवर की उन्हें 4 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड कितनी है बेटा अपने को एक्स माइनस वाई, टाइम टेकन कितना अपने को 2 hours, ठीक है जी। ए बन गया 4/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, आ कैंसल आउट हो गया बेटा जी, अपनी इक्वेशन बन गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सैकंड इक्वेशन अपने को ए बन गई। हूँ इन्होंने दोनों ही इक्वेशनस नूं तुसीं जिहड़े मर्जी मैथड नाल सॉल्व कर सकते हो, जिवें कि आपां पहलां वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हाँ, ठीक है जी। चलो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मैं बेटा जी इलीमीनेशन मैथड नाल सॉल्व करती हाँ। देखो हूँ आप साइन पहले ही चेंज नहीं, सीधा ऐड कर दो, एडिंग जोड़ के, ठीक है जी, आ कैंसल आउट हो गया, ए बन गया अपने को 2x इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 12/2, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 6, ठीक है, एक्स आ गई बेटा अपने को 6। हूँ एक्स की वैल्यू चाहे 1 च पुट कर दो चाहे 2 च पुट कर दो, इन्हों पुट कर दें पुट इन 2, जो आप सैकंड इक्वेशन च पुट करा चाहे फस्ट कर दो, गल एक ही है, चलो 1 च पुट कर लें, 1 हैगी एक्स कि अपने को 6, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 10-6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 4। यह मतलब स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितनी आ गई बेटा 6 किलोमीटर पर हॉर, स्पीड ऑफ करंट कितनी आ गई अपने को 4 किलोमीटर पर हॉर,
ठीक है बेटा जी। चलो हूँ आप एक सैकंड क्वेश्चन करन जा रहे हैं। सैकंड क्वेश्चन देखो बेटा अपने को है, सैकंड क्वेश्चन है टू वूमेन एंड फाइव मैन कैन टुगैदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज। दो औरतां ते पांच आदमी ने एक एम्ब्रॉयडरी वर्क का उन्हें खत्म कर देने किन्ने दिन लगते हैं? चार दिन। ठीक है, वाइल थ्री वूमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन थ्री डेज। ठीक है, पर तीन औरतां ते छे आदमी ने उसे काम नू तीन दिनों च पूरा कर देने। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वूमेन, एक औरत ने मतलब कि किन्ने दिन अज काम पूरा किया वह कैलकुलेट करना अलोन इकले ने, टू फिनिश द वर्क एंड आलसो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। बेटा जी अपन एक औरत ते एक आदमी दा भी उन्होंने किन्ने दिन अज काम पूरा किया वह अपन ने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, पहला आप मान लेंगे लैट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वूमेन, मतलब एक औरत नू काम पूरा करन लई किन्ना टाइम लग गया टू फिनिश वर्क। ठीक है, किन्ना लग गया जी अपने कोल एक्स डेज, मतलब एक औरत नू काम खत्म करन लई किन्ने दिन लगे? एक्स डेज। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क, उन्हों मैनू किन्ने लगे जी? वाई डेज। ठीक है जी, उस तो बाद देखो तुहानू पहले मैं इस तो पहले एक क्वेश्चन समझानी है। चलो मान लो तुहानू कोई कापी पूरी करन लई कहिंदा है, पंज पेज आंदा है, ठीक है, चलो फाइव पेज आंदा है, तुसीं पंज दिनां च पूरे करने ने। ठीक है, पंज जिहड़े पेज ने पंज दिनां च पूरे करने ने। जे तुहानू उह कहे तू सारे पेज ने भी एक दिन च पूरे करने ने, फिर तुसीं की करोगे? जिहड़ा डेज ने, नंबर ऑफ डेज ने बेटा जी, वह हमेशा बटियां च लिखते होंगे। जो आप काम कंप्लीट करना, आप एक काम कंप्लीट करना किन्ने हो गए अपने कोल डेज? फाइव। ये याद रखना बेटा, जिहड़ा डिनोमीनेटर आ, डिनोमीनेटर दे विच आपां नंबर ऑफ डेज लिखने ने जदों आपां कंप्लीट करना काम वन डे दा। आ देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुण आपां लिखांगे वर्क डन बाय ए वूमेन इन वन डे। हुण आपां देखांगे एक दिन दे विच उहने किन्ना काम पूरा किया। तुहानूं कहा सी नंबर ऑफ डेज हमेशा आपां ने डिनोमीनेट दे विच रखने ने, आपां ने नंबर ऑफ डेज किन्ने मन्ने सीगे? एक्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय वूमेन इन वन डे च किन्ना काम पूरा किया उहने? वन बाय एक्स। ठीक है जी, वर्क डन बाय ए मैन इन वन डे, उन्हें किन्ना पूरा किया जी? वन बाय वाई। याद रखियो हमेशा नंबर ऑफ डेज अपना डिनोमीनेटर च लिखने ने। ठीक है जी, उस तो बाद देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने कोल की है टू वीमेन ते फाइव मैन। ठीक है जी, टू वीमेन ने अपने कोल फाइव मैन ने, मतलब एक औरत ने किन्ने दिन च किया सी? वन बाय एक्स। टू वीमेन किन्ने च करनगियां? टू बाय एक्स। ठीक है जी, फाइव मैन फाइव बाय वाई। टोटल वर्क किन्ने दिन लगे जी? फोर डेज। तुहानू कहा सी डेज हमेशा आपां डिनोमीनेट च रखने ने। ये फस्ट क्वेश्चन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सैकेंड इदां ही थ्री वूमेन थ्री बाय एक्स। ठीक है, सिक्स मैन बन गए सिक्स बाय वाई, क्योंकि एक जिहड़ा हैगा अपने कोल एक दिन का काम किन्ना? वन बाय वाई। ठीक है, तो सिक्स डे का किन्ना बन गया? सिक्स मैन द्वारा किन्ना बन गया? सिक्स बाय वाई। ठीक है, किन्ना बन गया बेटा अपने कोल? थ्री डेज ने, वन बाय थ्री। ये अपने कोल सैकंड क्वेश्चन बन गई। हुण बेटा आपां इहनूं सोल्व करांगे। हुण एक्स ते वाई ने दोनों डिनोमीनेटर च आ गए। ठीक है, इहनूं आपां फिर पुट करना पएगा, दोनों सेम इक्वेशन ने, इहनूं एक्स मान लांगे। आ वन बाय एक्स नूं पुट कर लो जी, वन बाय वाई नूं पुट कर लो। चलो मैं लै लिया वन बाय एक्स, इहनूं तुसीं पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो। मैंने ए कर लिया जी, वन बाय वाई इक्वल टू बी कर लिया, तो मेरी इक्वेशन बन गई टू ए प्लस फाइव बी इक्वल टू वन बाय फोर। ठीक है जी, इधर बन गई थ्री ए प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू वन बाय थ्री। हूँ जोड़ा फोर डिनोमीनेटर है बेटा, उन्होंने इधर की करा मल्टीप्लाई, ए बन गया अपने कोल एट ए प्लस ट्वेंटी बी इज इक्वल टू वन। इधर बन गया जी अपने कोल नाइन ए प्लस एटीन बी इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, चलो मैंने इन थ्री मान लिया, इनू मैंने फोर मान लिया। ठीक है, हूँ आप इन्हें दोनों इक्वेशन नू सॉल्व करांगे बेटा जी। चलो मैं थोड़ा एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मैथड की भी प्रैक्टिस करवा दिनी हाँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मैथड आप
ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ 8a+20b, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ -1 ਬਣ ਗਿਆ =0, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 9a+18b-1=0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2312 ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੀ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1, ਫਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8, ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23, ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18, ਥਰਡ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1, ਫਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2312 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਲਓ x/-, ਪਰ ਇੱਥੇ a ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਲਿਖਾਂਗੇ, a/-, b/-, 1/-। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ -1 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -20, 18 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ -18, 9 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -9, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ -8, 18 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 144, 9 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ a/ -20 -18, b/ -9+8, 1/, ਠੀਕ ਹੈ, ±, ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬਟਨ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ, 180 ਜੋ 144 ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -36, a/ +-, 20 ਜੋ 18 ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2, b/±, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -1, 1/-36। ਸੇਮ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, a/-2 =1/-36, b/-1=1/-36, ਆਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/36, ਆਹ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/18, ਇਹਦੀ -, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/36। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 1/x, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/18, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 1/y=1/36, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਬਾਈ 1 ਵੋਮੈਨ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਡੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਬਾਈ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜੀ 36 ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਸ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ।